कहें उनके द्वारा कभी। जिसको पढ़ाना है मैं उसकी फील्ड में चल रहा हूँ, उसकी फील्ड तैयार कर रहा हूँ, एक मिनट में फील्ड तैयार कर दूंगा। बड़े भैया दिनेश सिंह गुप्कर, देश के सुपर स्टार हास्य के उस कब के लिए, तंजो मजाहिया का वो शायर जिसको जो नमक के बोरे पर भी चीनी का लेबल लगा दे तो चीटियों को भी बेवकूफ बना देता है, ऐसा ऐसा शायर, ऐसा कवि हमारे बीच में है कि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए, प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। जब पूछे गए तो कैसे कहा, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा। जब इसकी स्त्री आ गई तो वो मेरे, तब कैसे चार पंक्तियों से मैं उनको बुला रहा हूँ हंसते हंसाते हुए, अगर एक तरफा इश्क हो जाए दिनेश सिंह गुप्कर की तरह तो चौतरफा पिटने का डर रहता है। लड़के को एक तरफा इश्क होता है, लड़की का पीछा करता है, उसके घर तक जाकर कैसे उसी इशारे से बुलाता है, मगर वो आती नहीं। एक तरफा इश्क है, कैसे होता है वो मैं ही कह सकता हूँ। दिनेश सिंह गुप्कर भैया सुन सकते हैं, सह सकते हैं, अब इनको बुलाना है, अपनी तालियों से बुलाना है। कि ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे अरे अरे बुलावत बा आयना, एक तरफा इश्क है। कि ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे अरे 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 अरे, कि ऊपर गोरी का मकान नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, तेरा हो जाए एहसान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे बाबू है प्रधान, तेरे भैया है दीवान, हाय हाय रे, ऐसे मैं कैसे प्यार करूंगा, तो ही आना बुढ़िया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, तुमसे मैं प्यार करूंगा, मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है और नंबर बगल से लिया है, सात समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई, कहा हो मेरे जान तो भुलिया के नीचे आ गई। दिनेश सिंह गुप्कर जोरदार तालियों से, बड़े भाई दिनेश सिंह गुप्कर को सुना जाए हाथ व्यंग की धुरंधर कर दिनेश सिंह गुप्कर। ये बुढ़ापे का अभिशाप है। न घर में इज्जत है न मंच पे। पर वाले की नजर में कौन इज्जत ना आवे, सफेद तो कहीं भी है। सबसे आखिरी में भोजन वहां भी मिलता है यहाँ भी। सही बताते हैं, तब दिक्कत है दिक्कत। अब ये मोहब्बत की बात कर रहे थे इस उम्र में जी, हमारी गजल निकलती कैसे है। कि दिल ये तुम्हें खाम खा हम न देंगे, दिल ये तुम्हें खाम खा हम न देंगे, मोहब्बत करेंगे तो तनख्वाह लेंगे। बड़ा रिस्क है इश्क करने में साईं, अपने मोहल्ले में अपनी तुड़ाई, इतने कड़े इम्तहायों न देंगे, मोहब्बत करेंगे तो तनख्वाह लेंगे। देखिए एक बार हमको एक 85 साल के दादा का जो है मैरिज एनिवर्सरी कार्ड मिला, हमने सोचा ये मनाएंगे क्या बुढ़ऊ बात। एक बार एक 85 साल के दादा का मैरिज एनिवर्सरी कार्ड मिला, हमने कहा ये बुढ़ऊ मनाएंगे क्या, क्योंकि इसमें हर काम जुगाड़ से होता है बुढ़ापे में। कि 75 की दादी 85 के दादा से शादी के बरसी पे इठला के बोली, 75 की दादी 85 के दादा से शादी के बरसी पे इठला के बोली, मेरे बाल छूलो मेरे होठ चूमो लगी, बोलने दादी 16 की बोली,
मेरे गाल काटो, मुझे चूमो चाटो, लगा दो मेरे भावनाओं की बोली। तो दादा उठे, दादी झल्ला के बोली, कहाँ जा रहे हो करोना की टोली। तो दादाजी बोले, बता कैसे काटूं ये दांतों का सेट, तो लगाने दे बोली। अब हर काम उसमें जुगाड़ से होना है। आप लोग जरा मस्ती में आइए, कविता सुनना है तो तालियां हो जाए जोरदार भैया। अमित भाई ताली बता दे, आगे से पीछे का तुम आगे से बजा। बिहारी लाल अंबर जी अपने सुहाग रात में गए कि घूंघट उठा के पत्नी से बोले, प्राण प्रिय जैसी मेरी कामना थी वैसी प्रिय वर हो। तो पत्नी लजाई इठलाई बल खाई, बोली नाथ आप मेरे इकलौते जानवर हो। तो रूठ गए पति जी, मनाने लगी पत्नी जी, बात तो समझिए जी, बात मेरी गूढ़ है। अरे जान भी है आप मेरे, वर भी है आप मेरे, जाके क्या पड़ोसी को कहूं कि जानवर हो। आप लोग मजा नहीं ले पा रहे हैं पूरा। देखिए ज्यादा कविता सुनाऊंगा भी नहीं मैं, क्योंकि मुझे कोई पेमेंट मिलना ही नहीं है यहाँ से, इसलिए। अरे घर से पेमेंट थोड़ी लिया जाता है। ये देखिए अपना बचाव शुरू कर दिए। ऐसा है, ये पेमेंट नहीं देंगे, कोई आपको चुप्पे से देगा, यहाँ बहुत देने वाले हैं। आप लेने के लिए तैयार हैं? एक बार मैंने एक नेता को चोर कह दिया। अब देखिए मेरी दुर्गति क्या होती है। इरशाद, एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद, आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? वहीं पे चले गए। तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से, हमारी तुलना देश के गद्दार से। कवि जी हमारी और नेताओं की अलग बात है, नेता मानव और राक्षस के बीच की जात है। क्या कहने, रावण भी राक्षस था, उसने सीता को चुराया था, मगर चरित्र देखिए, उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ साल में 4-5 विधायक बलात्कार में धराते हैं और आप उनको चोर बताते हैं। कवि जी हमारा बहुत ही गौरवान्वित इतिहास और खानदान है, कृष्ण हमारे ही खानदान के भगवान हैं। माखन चोर की कही गीता स्वर्ग की सीढ़ी है, जिसके सहारे तरती पीढ़ी दर पीढ़ी है। कवि जी आइंदा आप अपनी हद में रहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा, किसी नेता कहने होगा, किसी नेता को। हम समझ गए आप लोग क्या सुनना चाह रहे हैं। एक बार बंबई में मनसे के कार्यक्रम में हमसे बाल ठाकरे मिल गए, राज ठाकरे मिल गए। हमने कहा यार आप बिहारियों से काहे इतना चिढ़ते हैं, बिहारी बहुत अच्छे होते हैं, बिहारी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके 9 बच्चे होते हैं, 2 बिहार में रह जाते हैं, 60 बंबई भाग जाते हैं। बिहारी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनके 9 बच्चे होते हैं। मैंने एक बिहारी से पूछा, बिहारी जी ये बच्चे संज्ञा से हैं कि सर्वनाम से? क्या कहने भाई वाह। बिहारी जी बोले, कवि जी आप कविता से हैं कि कब्रिस्तान से? आपको मालूम हो कि बच्चे न संज्ञा से होते हैं न सर्वनाम से, बच्चे होते हैं क्रिया विशेषण के उपादान से। क्या कहने सर। मैंने कहा बिहारी जी, न भोजन का संसाधन, इतनी भुखमरी में इतना उत्पादन। तोरे आज्ञा हम पढ़वे कर। मैंने कहा बिहारी जी ने भोजन न भोजन का संसाधन, इतनी भुखमरी में इतना उत्पादन। बिहारी जी बोले, आपकी सोच एकदम सरकारी है, अरे प्रकृति के साथ न चलना भी एक प्राकृतिक बीमारी है। क्या कहने सर। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इस मामले में हम पूर्णतया कर्तव्यनिष्ठ हैं, न इसमें हिंसा है न आतंकवाद है, यह तो स्वयं में गांधी और बुद्धवाद है। क्या कहने सर। एक दिन चचा को देखकर कई लोग शर्म से गड़े थे, चचा टोपी के नीचे नंगे खड़े थे। मैंने पूछा, चचा यह प्रयोग है कि संयोग? इतनी उम्र में ऐसी नंगई, क्या कहेंगे लोग? अरे आप इतनी जल्दी अपनी जमात में आ गए, अपने शरणार्थियों का तंबू चबा गए। क्या कहने सर। चचा बोले, आप हमें का बुड़बक समझते हैं? अरे नंगे हैं तो क्या हुआ, नंगे से तो भगवान भी डरते हैं।
दुर्योधन हमारे पूर्वज थे, हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। वो गांधारी के आगे नंगे नहीं हुए मारे जाएंगे, हम वहां भी नंगे हो जाएंगे। अनुसुईया भगवान के आगे नंगी होकर सती हो गई, और जनता जनार्दन हमारे परमेश्वर हैं, हम उनके आगे नंगे हुए तो आपको आपत्ति हो गई? क्या पूछते हो कब ल जाएंगे? अरे नंगे आए हैं नंगे जाएंगे। क्या कहने, जंगल का राजा शेर इसीलिए किसी से नहीं डरता है क्योंकि वो जंगल में नंगा टहलता है। हमको गाली और गांधी को गोली खानी है, दिगंबर क्या बचाएगा? गांधी को अपनी लंगोट बचानी है। कुछ बचाना माया का प्रवेश है और सब त्याग देना वैराग्य का संदेश है। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाना है? न ऊपर लात है न जूता है, सब यही खाना है। न ऊपर लात है न जूता है, यही खाना है। एक बार एक भक्त ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान बोले, बेटा वरदान मांग ले। वो बोला, महाराज हमको विधायक बना दो। भगवान लगे भागने। बोले, बेटा तीनों त्रैलोक में कुछ और मांग ले। मैंने कहा बाबा मजा तो इसी में है। अब भगवान भाग रहे। कि शिव जी को तपस्या से किया भक्त ने प्रसन्न, वरदान दिया शिव ने तो कहने लगा भगवान, मुझको किसी तरह से इलेक्शन में जिता दो, अपनी कृपा से नाथ मुझे नेता बना दो। भगवान बोले, भक्त ये वरदान न दूंगा, तू मांग ले त्रैलोक के, तुझे हंस के मैं दूंगा। तू जानता नहीं है इसमें मर्म बहुत है, नेता की रेसिपी में खटकर्म बहुत है। जब साल में आता है ये कार्तिक का महीना, गड्ढा बना के डाल दो 14 को कमीना, डालो 27 चोर 57 को माफिया, फिर डालो 150 शराबी जो हो पिया, 23 मक्कार और 73 को बवाली, 1500 डाकू और 7200 मवाली, इतना मिला के फेंट दो असुरों के खून में, 6 माह बाद निकलेगी जो मिट्टी जून में, पुतला बना के उसमें भेड़िए की आंख दो, इतना मिला के नेता बनाते हैं आंख लो, सामग्री इतनी लाऊं कहां से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है।